नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये टोपी क्यों, सो हेयर कट करा ली है तो इसलिए टोपी पहन रहा हूँ। द वे पेंडेमिक में होप सब लोग ठीक हो घर पे। इम्पोर्टेंट काम है तो ही घर के बाहर निकलें, नहीं तो घर पे रहो, सेफ रहो। चलो, आज का व्लॉग कुछ नहीं है, डेली व्लॉग की तरह ही है। आज बाइक स्टार्ट किए हुए मेरे ख्याल से 2 से 3 हफ्ते हो गए हैं, तो आज बाइक वापस स्टार्ट करते हैं। एंड यस, पॉलिश, एक्टिवा को पॉलिश करना है एंड मैं यूज़ करता हूँ 3M के प्रोडक्ट्स पॉलिश करने के लिए, तो अभी दिखाते हैं जल्दी। हे गाइस, वेलकम बैक। गाड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही है, गाड़ी स्टार्ट कर दी है बाइक। स्टार्ट करके रखूँगा मैं, छोटा बैटरी चार्ज हो जाए। और अगर आप 5-1 मिनट के लिए स्टार्ट करते हैं तो चार्जेस हैं कि वो बैटरी वापस डिस्चार्ज हो जाए, तो इसलिए 15 मिनट्स आइडल टाइम रहता है स्टार्ट करके रखने के लिए, अगर आप ड्राइव राउंड नहीं मार सकते हो बाइक पर। तो अभी वैसे ही इंदौर में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, सो आई एम नॉट टेकिंग एनी रिस्क। बाइक यहीं पर स्टार्ट करके 15 मिनट स्टार्ट करके रख दूँगा। गाड़ी का फ्यूल पूरा है, टैंक पूरा फ्यूल अप है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो गाइस, एक्टिवा लेके आ गया हूँ, पीछे मेरी बाइक खड़ी हुई है, हो गए 10-15 मिनट स्टार्ट करके, तो उसको बंद कर दी है। एक्टिवा लेके अंदर आ गया हूँ क्योंकि अंदर फैन है तो गर्मी नहीं होगी। तो ये देखो, एक्टिवा थोड़ी बहुत गंदी हो चुकी है, धूल काफ़ी है, तो इसको गीले कपड़े से साफ करके 5-10 मिनट सुखा देंगे और फिर उसके बाद 3M के पॉलिश निकाल के उसको चमचमा देंगे। सो गाइस, ये है 3M का लिक्विड वैक्स, तो ये हम यूज़ करेंगे एक्टिवा के ऊपर और आप देखना इसका रिजल्ट 15-20 मिनट बाद। चलो मिलते हैं। एंड यस, वन मोर थिंग, पॉलिश के साथ में 2 माइक्रोफाइबर क्लॉथ साफ करने के लिए ज़रूरी है, उससे इजीली पॉलिश हो जाएगी। या फिर अगर आपके पास माइक्रोफाइबर नहीं है तो आपके पास पूरी पुरानी बनियान होगी तो वो यूज़ कीजिए, क्योंकि जो बनियान या वेस्ट का मटेरियल रहता है वो बहुत फाइन कॉटन रहता है, तो उससे स्क्रैचेस नहीं आएंगे गाड़ी के ऊपर पॉलिश क्लीन करते समय। अब करते हैं पॉलिश इसके ऊपर जल्दी स्टार्ट। इसको पहले थोड़ा सा पहले शेक कर लो पॉलिश को, तो फिर वो ईजिली आ जाएगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं साइड से। वैक्स लगा लिया है, वैक्स लग चुका है गाड़ी पे। साइड पैनल, एक सिंगल साइड पैनल किया है और ये फ्रंट पैनल पे किया है मैंने। अब इसको क्लीन करेंगे। मेरे पास 2 माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स है। सो गाइस, जब भी आप मीन्स पॉलिश, जैसे वैक्स लगा लिया है मैंने, अब उसको क्लीन करने के लिए मीन्स ऐसे लेफ्ट राइट मत घुमाओ, ऐसे राउंड राउंड पे रोटेट करो तो उससे अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है, क्लीन हो जाता है, या फिर प्रॉपर तरीके से स्प्रेड हुआ रहता है तो लग जाएगा। सो गाइस, दूसरी साइड भी पॉलिश कर ली है एंड इधर लाइट पे भी पॉलिश यूज़ कर दिया है, यहाँ पे ऊपर भी कर दिया है। वन मोर थिंग, अगर आप पॉलिश कर रहे हो तो कभी भी डैशबोर्ड पे यूज़ मत करना, इस साइड इसके ऊपर कभी यूज़ मत करना। अगर इसके ऊपर यूज़ कर दिया तो कलर पूरा चला जाएगा इसका। मैं 1-2 बार कर चुका हूँ तो ये पूरा डल हो चुका है।
मिक्सचर हो या एसिड यूज कर सकते हो, बट इसके कभी मत यूज करना। लाइट्स भी यूज कर सकते हैं, अब लाइट्स ऐसी दिख रही हैं, जैसे मैं क्लीन करूँगा फिर आप देखना कितना सुंदर एकदम ब्राइट चमकने लग जाएगी। और इस साइड भी पॉलिश करनी है, इसको भी क्लीन करते हैं पीछे का बाकी भी पॉलिश। तो फाइनली पॉलिश हो चुकी है गाड़ी, तो एक्टिवा हो गई है पूरी तरह से पॉलिश। आपको एक बार वापस दिखा देता हूँ, ये देखिए अपनी KTM। सो गाइस, आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताओ। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं, एंड अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो नहीं करा है तो ज़रूर फॉलो कीजिए। तो आज का ब्लॉग यहीं करते हैं ख़त्म, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सेफ रहो, खुश रहो, कीप स्माइलिंग।